प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में अपने भाषण के दौरान कहा था कि उद्योगपति को खेती पर ध्यान देना चाहिए ताकि इसे और अधिक समृद्ध बनाया जा सके। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के व्यापक कार्य और कृषि के लिए किए गए प्रयासों ने गीत गंगा फार्म के संस्थापक हिरेन पटेल को नागपुर जिले के मनसर रामटेक में पॉली हाउस में एशिया की सबसे बड़ी हाईटेक मिट्टी आधारित वर्टिकल खेती और बायोफ्लॉक एक्वा कल्चर खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उद्योगपति से आधुनिक किसान बने हिरेन पटेल ने 23 दिसंबर 2021 में अपनी हाईटेक खेती परियोजना के बारे में आयोजित पत्र परिषद को संबोधित किया। हिरेन पटेल ने आगे बताया कि गीत गंगा ने कृषि उद्योग शुरू किया गया था जिसके तहत हम 1 एकड़ से 100 एकड़ की उपज लेते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हम 110 एकड़ में लगभग 2300 एकड़ की खेती करते हैं। हल्दी और कई अन्य उत्पाद जैसे बीटरूट ब्रोकली उगाए जा रहे हैं जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से प्रमुख उत्पाद हैं और अधिकतम देशों को निर्यात किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को एएस एग्री और एक्वा एलएलपी के डॉक्टर प्रशांत झाड़े ने मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर प्रशांत गोविंद राव झाड़े मेरे कृषि क्षेत्र के गॉडफादर हैं। हिरेन पटेल ने यह कहा, हमारे पास एक ऐसी तकनीक है जिसमें 1 एकड़ खेती से 100 एकड़ की उपज ली जा सकती है। इसमें हवामान की स्थिति पर कोई निर्भरता नहीं होती है और पानी का बहुत कम उपयोग होता है। यह पूरी तरह से अनुकूलित खेती का एक हिस्सा है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से मिट्टी मौसम जनशक्ति निर्भरता को हटा दिया जाता है। साथ ही खेती की यह तकनीक प्रशिक्षण के माध्यम से अन्य किसानों को उनके लाभ के लिए दी जाएगी, इसलिए इसे आगे बढ़ाते हुए इंजीनियरिंग के गुरु नानक कॉलेज में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। यहाँ शिक्षण कार्यक्रम में स्मार्ट वर्टिकल खेती के लिए आवश्यक अभ्यासक्रम को शामिल किया जाएगा। आरओ वाटर के थ्रू पानी सर्कुलेट करते हैं और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट टोटल आरओ वाटर से थ्रू ही जाता है, तो इसका जो परसेंटेज है वो करीब करीब 70-80% वो कंज्यूम करती है जगह जो वर्टिकल में हमने सॉइल डाला हुआ है। वो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि उसका परसेंटेज 2-3% होता है क्योंकि वो जमीन उसको ऑब्जर्व कर लेती है, तो उसके कारण उसमें न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं जा पाते हैं। सेकंड क्वालिटी के लिए ये जो भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं अभी 100 एकड़ में, वो मैक्सिमम मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक में ही लगने वाली चीज़ें हैं और ये 100% क्वालिटी मेंटेन होती है इसमें, और इसके माध्यम से हम लोग हाईटेक वर्टिकल एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें फार्मर या इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा कोई नहीं है कि ये नहीं कर सकता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइप ऑफ फैक्ट्री ही है हमारा ये, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी फैक्ट्री चलाता है तो उसका जो टोटल मैनेजमेंट होता है वो सेम मैनेजमेंट इसमें इंप्लीमेंट कर सकता है। साथ ही अगर उद्योगपति खेती में आना चाहते हैं तो हमने उन किसानों के बारे में भी सोचा है जिन्हें रोजगार दिया जा सकता है। हमने युवा फाउंडेशन के जरिए प्लेसमेंट सेल शुरू किया है। निकट भविष्य में हमारा एजेंडा उद्योगपति को खेती से जोड़ने का है, ऐसा हिरेन पटेल ने कहा। वे हमारे प्रोजेक्ट को देखकर प्रेरित हो सकते हैं। हमारी कंपनी उन लोगों को निर्यात सहायता भी देगी जो खेती में हैं। हम निर्यात का पूरा SOP मुहैया कराएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम शामिल होना चाहते हैं, जिसमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स आदि शामिल है। कृषि व्यवसाय में इन सभी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हम कृषि व्यवसायों के बीच समन्वय बनाने के लिए गोदामों से जुड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।